रोचक तथ्य जिन्हें आप शायद नहीं जानते। आज हम दुनिया के बारे में कुछ अनोखे और रोचक तथ्य जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि 4 साल का बच्चा कितने सवाल पूछ सकता है? एक अध्ययन के अनुसार औसतन 1-4 साल का बच्चा दिन में लगभग 400 सवाल पूछता है। जी हाँ, 400 सवाल। उनकी जिज्ञासा और सीखने की ललक वाकई अद्भुत होती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है? इसे कैरोलिना रीपर कहते हैं। ये मिर्च इतनी तीखी होती है कि इसे खाने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ेगा। इसकी तीखेपन को स्कोविल स्केल पर मापा जाता है और ये लाखों स्कोविल यूनिट्स तक पहुंच सकती है। लियोनार्डो दा विंची को उनकी कला और विज्ञान के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे एक बेहतरीन मल्टीटास्कर भी थे? वे एक ही समय में कई चीजों पर काम कर सकते थे, जैसे कि पेंटिंग, इंजीनियरिंग और शरीर के अंगों का अध्ययन। उनकी इस अद्भुत क्षमता ने उन्हें एक महान व्यक्ति बनाया। हमारी त्वचा, या कहें हमारी बाहरी त्वचा, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह हमें बाहरी चीजों से बचाती है और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। क्या आप जानते हैं कि हमारी त्वचा हर महीने खुद को पूरी तरह से बदल लेती है? अमेरिका के मिनियापोलिस में स्थित ओनरफील्ड लेबोरेटरीज में एक ऐसा कमरा है जिसे दुनिया का सबसे शांत कमरा कहा जाता है। इस कमरे में आवाज को लगभग पूरी तरह से सोख लिया जाता है, जिससे वहां कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। इस कमरे में सबसे ज्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड 45 मिनट का है। बीजिंग का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम 2010 में हुआ था। यह जाम लगभग 70 किलोमीटर लंबा था और इसमें फंसे लोगों को 12 दिनों तक इंतजार करना पड़ा था। यह ट्रैफिक जाम चीन की बढ़ती गाड़ियों की संख्या और सड़कों पर भारी ट्रैफिक का नतीजा था। मीट्रिक प्रणाली, जिसे अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मापन प्रणाली है। यह दशमलव पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि यह 10 के गुणकों पर आधारित है। मीटर, लीटर और किलोग्राम इसकी मुख्य इकाइयां हैं। यह प्रणाली वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में मानक मानी जाती है। जॉन डी रॉकफेलर, इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, ने अपने समय में बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की थी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में उनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ने तेल उद्योग पर कब्जा कर लिया था। आज के डॉलर में उनकी संपत्ति का अनुमान लगभग 400 अरब डॉलर से अधिक है। यह सचमुच अविश्वसनीय है। उत्पत्ति या ओरिजिन्स किसी भी चीज की शुरुआत को दर्शाता है, चाहे वह जीवन की उत्पत्ति हो, किसी सभ्यता की नींव हो या किसी विचार का आरंभ हो। उत्पत्ति हमें हमारी जड़ों की याद दिलाती है और यह समझने में मदद करती है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये सच है कि हर कहानी की एक शुरुआत होती है और वह शुरुआत ही हमारी वर्तमान स्थिति को परिभाषित करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसे 1987 में अपनाया गया था, का उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा करना है। इसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को धीरे धीरे कम करने के लिए एक योजना तैयार की। यह समझौता वास्तव में पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। स्क्रूज मैकडक, डिज्नी के प्रसिद्ध पात्र, को हम सभी जानते हैं। उनकी संपत्ति का अनुमान अगर असली दुनिया में लगाया जाए तो यह अरबों डॉलर में होगी। स्क्रूज मैकडक का खजाना, जिसमें सोने के सिक्कों से भरे स्विमिंग पूल शामिल हैं, एक अद्वितीय और मनोरंजक कल्पना है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद सभी चींटियों का कुल वजन इंसानों के कुल वजन के बराबर हो सकता है? यह तथ्य चींटियों की संख्या और उनके छोटे आकार को देखते हुए वाकई आश्चर्यजनक है। चींटियों की सामूहिक ताकत और उनकी सामाजिक व्यवस्था उन्हें पृथ्वी के सबसे सफल जीवों में से एक बनाती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मुर्गियों की संख्या इंसानों से ज्यादा है? जी हाँ, सही सुना आपने। आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर राष्ट्रीय झंडों में बैंगनी रंग नहीं होता? है ना रोचक बात। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी बर्फ नहीं देखी है। सोचिए, उनके लिए बर्फ का पहला अनुभव कितना खास होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारी घरेलू मुर्गी और डायनासोर का एक गहरा संबंध है? जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि मुर्गियां डायनासोर के वंशज हैं। यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। पतझड़ के मौसम में पेड़ों की पत्तियां अपने रंग बदलती हैं और आखिरकार गिर जाती हैं। यह प्रक्रिया पेड़ों के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि पत्तियां क्यों गिरती हैं? इसका कारण है पेड़ों का ऊर्जा बचाना और ठंड के मौसम में खुद को सुरक्षित रखना। बार्ट सिंपसन, जो कि सिंपसन शो का एक लोकप्रिय किरदार है, हमेशा 10 साल का ही रहता है। यह एक दिलचस्प तथ्य है, क्योंकि शो के प्रसारण के दौरान कई साल बीत चुके हैं, लेकिन बार्ट की उम्र कभी नहीं बदली।
यह एनिमेटेड शो की एक खासियत है। क्या आप जानते हैं कि $20 का सिक्का भी होता है? जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका ने 19वीं सदी में $20 के सिक्के बनाए थे। इसे डबल ईगल कहा जाता था। यह सिक्का सोने का बना होता था और आज भी संग्रहकर्ताओं के बीच बहुत मशहूर है। है ना, कितना दिलचस्प। छींक को दबाने का ख्याल कभी आया है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है? छींक को रोकने से आपके कानों, साइनस और यहां तक कि आपकी आंखों पर भी दबाव पड़ सकता है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगली बार जब आपको छींक आए तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। होंडुरास में एक ऐसा शहर है जहां हर साल मछलियां आसमान से गिरती हैं। जी हां, आपने सही सुना। इस घटना को लूविया दे पेसिस कहा जाता है। वैज्ञानिक अब तक इस घटना का सही कारण नहीं जान पाए हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे एक चमत्कार मानते हैं। यह दुनिया की सबसे अनोखी प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। समय क्षेत्र या टाइम जोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां के सभी लोग एक ही मानक समय का पालन करते हैं। ये जोन पृथ्वी के 24 हिस्सों में बंटे होते हैं और हर हिस्से का समय ग्रीनविच मीन टाइम से एक घंटे का अंतर रखता है। जीप का नाम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से जुड़ा हुआ है। असल में जीप का नाम जीपी से लिया गया है, जिसका मतलब है जनरल पर्पस। समय के साथ जीपी का उच्चारण जीप में बदल गया। 1621 में सामोसेट पहले मूल अमेरिकी थे जिन्होंने तीर्थयात्रियों से संपर्क किया। उन्होंने अंग्रेजी में उनका स्वागत किया, जो उन तीर्थयात्रियों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। सामोसेट ने उन्हें स्थानीय आदिवासी समुदायों और उनके रीति रिवाजों से परिचित कराया। स्वीडन के द्वीप अपने अद्वितीय सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की हरियाली और नीले पानी का संगम किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि जेलीफिश और सूरज के बीच एक दिलचस्प रिश्ता है? जेलीफिश अपने शरीर में सूरज की रोशनी को सोखकर ऊर्जा प्राप्त करती है। यह सचमुच अद्भुत है। जुड़वान लड़कियां एमी और केटी ने अपने जीवन में कई अनोखे अनुभव साझा किए हैं। उनका जुड़ाव और समझ एक दूसरे के प्रति इतनी गहरी है कि वे बिना बोले भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के चिड़ियाघरों में पांडा चीन से किराए पर लिए जाते हैं? जी हाँ, ये प्यारे जीव चीन की संपत्ति माने जाते हैं और उन्हें किसी अन्य देश को स्थायी रूप से नहीं दिया जाता। सोचिए, अगर आप यूट्यूब पर हर वीडियो देखना चाहें तो कितना समय लगेगा। खैर, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करने में आपको हजारों साल लगेंगे। हर मिनट में यूट्यूब पर सैकड़ों घंटे का कंटेंट अपलोड होता है। चूहों की हड्डियां इतनी लचीली होती हैं कि वे किसी भी छोटे से छोटे छेद में से गुजर सकते हैं। ये उनकी जीवित रहने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। अरे, ये तो सच में कमाल है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी है? ये मंदारिन चीनी है। मंदारिन चीनी को लगभग 1 अरब लोग बोलते हैं। ये भाषा चीन, ताइवान और सिंगापुर में ज्यादातर बोली जाती है। सबसे लंबे समय तक चलने वाली हिचकी का रिकॉर्ड चार्ल्स ऑसबोर्न के नाम है। उन्होंने 1922 से 1990 तक लगातार हिचकी ली, यानी कि 68 साल तक। क्या आप सोच सकते हैं इतने लंबे समय तक हिचकी लेना कितना मुश्किल होगा? मानव उंगलियों के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि प्रत्येक उंगली का निशान अनोखा होता है। उंगलियों के निशान का उपयोग अपराधियों की पहचान करने और सुरक्षा प्रणालियों में किया जाता है। यह अनोखापन हमें बताता है कि हम सभी कितने खास हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन में साइकिलों की संख्या कितनी है? चीन में लगभग 500 करोड़ साइकिलें हैं। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। साइकिलें न केवल आने जाने का एक साधन है, बल्कि यह चीनी संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं जिराफ की जीभ की। जिराफ की जीभ लगभग 18 से 20 इंच लंबी होती है। ये उन्हें पेड़ों की ऊंची शाखाओं से पत्ते खाने में मदद करती है। और मजेदार बात यह है कि उनकी जीभ का रंग नीला काला होता है, जो उन्हें धूप से बचाता है। चलिए अब हमिंगबर्ड के दिल के बारे में जानते हैं। हमिंगबर्ड का दिल बहुत तेज धड़कता है, लगभग 1200 बार प्रति मिनट। यह उन्हें हवा में स्थिर रहने और तेजी से उड़ने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि हमिंगबर्ड एकमात्र ऐसे पक्षी हैं जो पीछे की ओर भी उड़ सकते हैं? वयस्क साक्षरता दर, यानी उन लोगों का प्रतिशत जो पढ़ और लिख सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह दर शिक्षा की गुणवत्ता और लोगों तक इसकी पहुंच को दर्शाती है। झींगा मछली, जिसे अंग्रेजी में लॉबस्टर कहते हैं, समुद्री जीवों में से एक है। यह अपने स्वादिष्ट मांस और अनोखी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। प्रेरी कुत्ते छोटे और मिलनसार कृंतक होते हैं।
ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों में पाए जाते हैं और अपनी जटिल जमीन के नीचे की बस्तियों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर फेसबुक एक देश होता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश होता। जी हाँ, फेसबुक की आबादी अब 1 अरब से भी ज्यादा है। सोचिए, एक ऐसा देश जहाँ हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हो, कितनी अद्भुत बात है ना। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका की आबादी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है? अगले 30 सालों में अफ्रीका की आबादी दोगुनी हो सकती है। यह एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है। आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज में खाना थोड़ा अलग क्यों लगता है? दरअसल, ऊंचाई पर हमारी सूंघने और स्वाद की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हवाई जहाज में खाना थोड़ा फीका लग सकता है। यह एक दिलचस्प तथ्य है ना? क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा होटल है जो दुनिया का सबसे पुराना होटल है? हाँ, आपने सही सुना। इस होटल का नाम है निशियामा ऑनसेन केयुनकन और यह लगभग 1300 साल पुराना है। इस होटल की स्थापना 705 ईस्वी में हुई थी और यह आज भी अपनी सेवाएं दे रहा है। क्या यह अद्भुत नहीं है? इंग्लैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? शायद आप सोच रहे होंगे कि इसका जवाब बहुत आसान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी नहीं है? जी हाँ, यह सच है। इंग्लैंड की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। यह जानकारी शायद आपको चौंका दे, लेकिन यह एक दिलचस्प तथ्य है। प्राचीन भित्तिचित्रें हमेशा से ही मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। ये चित्र हमें हमारे पूर्वजों की जीवन शैली, उनकी मान्यताएं और उनकी कला के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे पुरानी भित्तिचित्रें लगभग 40,000 साल पुरानी हैं? ये चित्र गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए थे और आज भी हमें उनके माध्यम से अतीत की एक झलक मिलती है। ओज का पूरा नाम क्या है? ओज का पूरा नाम है ऑस्कर जेड्रोजनी। है ना मजेदार?